टीके की जब आप कमेंट कर देते फ्रेंड्स कि टीके हमें चाहिए एग वाली की, आप प्रॉपर तरीके से आप रेसिपी बताइए। सो मैंने एक बार आपको पहले भी करी हुई थी, लेकिन जो आज की जो मेरी वीडियो है वो ऑल इन वन टी केक पे, मतलब आप एक रेसिपी से किसी भी तरह के टी केक बना सकते हो, चाहे रम एंड रेजिन बना दो जिसमें हमारी रम भी जाती है और रेजिन भी जाते हैं जिसे हम किसमिस बोलते हैं, वो भी एक तरह का टी केक जाता है। उसमें दोस्तों ड्राई फ्रूट भी टी केक बनता है, ब्लूबेरी भी टी केक बना सकते हो, डेट एंड वॉलनट टी केक, मतलब इससे कई तरह के फ्लेवर इस चीज़ को बना सकते हो। ये ऑल इन वन रेसिपीज़ है जो आप टी केक की रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो टी केक के बारे में ही है, जो मैंने एग से इसे टी केक की रेसिपी आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, इसी तरह के कंटेंट, मतलब जो रेसिपीज़ वगैरह होती है बेकरी की और नॉलेज होती है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं नीचे कमेंट करते हैं बेकरी के लिए रिलेटेड में, सो मैं उसके आंसर जरूर देता हूँ। सो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा, जो आज की जो मेरी रेसिपीज़ है, जो मेरी वीडियो है, वो टी केक के बारे में ही है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी रेसिपी पर। और इस टी केक की रेसिपी को आप मफिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट मफिन्स, ब्लूबेरी मफिन्स, डेट एंड वॉलनट मफिन, रम एंड रेजिन्स, मार्बल, चॉकलेट, चॉको चिप, ऐसे कई तरह के, इससे आप ऑल इन वन की तरह मफिन भी बना सकते हो। टी केक तो है लेकिन साथ में आप मफिन की रेसिपी भी इसके साथ तैयार कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट की। सबसे पहले आपको शुगर लेना है 1 किलो, बटर डालोगे वो 700 ग्राम है। इन दोनों को आपस में मिक्स करना। जो अपना बटर जो आप यूज़ करोगे वो अपना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जिस तरह की आपकी जो कुकीज़ में अगर आप बटर को मिक्स करोगे शुगर के साथ वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। सो इसीलिए फ्रेंड्स, जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे लेना और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें डालना है आपको एग। एग जो आप डालोगे धीरे धीरे करके डालना, टोटल दोस्तों इसमें 22 एग आपको डालने, वो धीरे धीरे करके, जैसे आपने दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गया, शुगर और बटर मिक्स हो गया, तो धीरे धीरे आपने एग डाल दिया। उसके बाद जैसे ही एग मिक्स हो जाता है तो आपको डालना है उसमें वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जो क्वांटिटी है दोस्तों, उसमें 20 ग्राम डालना है, वो भी मिक्स हो जाएगा, वो तो क्विकली मिक्स हो जाता है, आपको पता है 3-4 सेकंड में 2-3 बार राउंड लगेंगे तो वैसे ही मिक्स हो जाता है। उसके बाद जितने भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट है उस चीज़ को आपको मेजरमेंट कर लेना है, वो चीज़ आपको डालनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट में फ्रेंड्स आपको फ्लावर लेना है 900 ग्राम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 10 ग्राम डालना है और मिल्क पाउडर इसमें डालना है वो 250 ग्राम डालना है। मिल्क पाउडर दोस्तों इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें कलर लाने के लिए, थोड़ा स्वीटनेस लाने के लिए मिल्क पाउडर उसमें अच्छा टेस्ट देता है, सॉफ्टनेस देता है, लाइफ उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। सो काफ़ी सारी चीज़ों में मिल्क पाउडर अच्छा काम करता है। सो इसलिए फ्रेंड्स उसकी जो क्वांटिटी है वो 250 ग्राम आपको डालना है। इन चार चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से पहले मिक्स कर लेना, फिर जाके आप अपने मिक्सर में डालना, जिससे कि आपका जो कहीं अपना जो मिल्क पाउडर वो अलग ना हो जाए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कहीं वो अलग ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को पहले हाथ से मिक्स कर लेना। फिर आप मशीन में डालने के बाद दोस्तों उसमें जो लास्ट में जाएगा वो ऑयल जाएगा। ऑयल की जो क्वांटिटी है दोस्तों वो 300 ml है, यानी कि जब अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाता है तो आपको लास्ट में उसे ऑयल डाल देना। ऑयल से उसमें सॉफ्टनेस आती है, टेक्स्चर आता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्लस उसमें सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ती है ऑयल से। सो फ्रेंड्स, जो आपका ये मिक्सचर है अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस चीज़ को कई तरह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप मफिन बनाना चाहे, टी केक बनाना चाहे, डेट एंड वॉलनट, रम एंड रेजिन, ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी, ऐसे कई तरह के फ्लेवर में अगर आप बनाना चाहे, जैसे ब्लूबेरी फ्लेवर में कुछ टी केक बनाना चाहे या मफिन बनाना चाहे, उस चीज़ को भी आप रेडी कर सकते हो। अगर आप इसे टी केक के तौर पे लोगे, यानी कि मोल्ड में बनाओगे, जिस तरह से लंबे तौर पे मोल्ड बनते हैं, अगर आप उसमें 350 ml डालोगे, सो दोस्तों उसका जो टेम्परेचर आपको रखना वो 160 से 165 डिग्री पे बीच में रखना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जितने उसमें धीमे से अगर आप उसे पकाओगे, बेकिंग करोगे, सो उतना उसमें कलर जल्दी से नहीं आएगा। ऐसा होता है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर पे कर दिया सो कलर है उसमें जल्दी आ जाता है और अंदर से वो कच्चा रहता है, इसलिए उसका जो बेकिंग जो टेम्परेचर है वो 160 से 170 के बीच में रखना। उसको पकने में दोस्तों 25 से 30 मिनट लगेंगे। और अगर आप मफिन पकाओगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है वो कम हो जाती है, यानी कि 15 से लेकर 18 मिनट तक मफिन की जो टाइमिंग है दोस्तों वो पक के तैयार हो जाती है। फिर ठंडा होने के बाद आप इस चीज़ को डीमोल्ड कर सकते हो, चाहे मफिन्स को कर लो, चाहे टी केक को कर लो, जैसे ही वो ठंडा हो जाए आप उसको डीमोल्ड करके सर्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और बतानी, अगर आप इसमें टी केक यूज़ कर रहे हो, टी केक वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हो, सो नीचे से बटर पेपर लगा देना, क्योंकि जो ऐसा होता है कि जब हम टी केक डालते हैं सो उसके साथ चिपक जाता है नीचे, जब उसमें नीचे से आप बटर पेपर बिछा दोगे सो आप उसमें टी केक का मिक्सचर डालने के बाद जब उसकी बेकिंग होगी सो आराम से डीमोल्ड हो जाता है, फिर आराम से उस बटर पेपर को रिमूव कर सकते हो, जिससे कि आपके जो टी केक है वो ख़राब नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स, ये छोटी सी नॉलेज थी जो टी केक के बारे में थी, ये ऑल इन वन की मैंने जो आपको रेसिपी बताई, आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी बेकरी की और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।